ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे बाबा, हे साई, आज श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 34 का पठन होने जा रहा है। बाबा आशीर्वाद दे, ये पाठ सबके चित्त में उतरे, सभी को इसका लाभ हो। आइए जानते हैं अध्याय 34 जो कि उदी की महिमा भाग 2 का आगे का क्रम है, जिसमें पहले है डॉक्टर का भतीजा, दूसरा डॉक्टर पिल्ले, तीसरा श्यामा की भयाहू, चौथा ईरानी कन्या, पांचवा हरदा के महानुभव, छठा बंबई की महिला की प्रसव पीड़ा। इस अध्याय में भी उदी की ही महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जिनमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग ट्यूबरकुलर बोन एप्सिस एक प्रकार का तपेदिक से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई लाभ ना हुआ। उसके कष्टों का पारावार ना था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदरपूर्वक विनती की कि प्रभु हम लोगों पर दया करो, आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं, दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता, चिंता ना करो, यह उदी ले उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठलाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को जो डॉक्टर थे महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बंबई जा रहे थे तभी मालेगांव और मनमाड के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे परंतु बंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदल कर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बंबई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण दिखाई ना देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित ना करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुँच गया। तब वे अपने निश्चयानुसार शिरडी पहुँचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहाँ 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवारे में ही पदोन्नति पाकर
उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्ति ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साई के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। अब आगे पढ़ते हैं डॉक्टर पिल्ले। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे, इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहाय पीड़ा हो रही है और अब मैं इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेष्ठ कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि ना करनी चाहिए। आओ, किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ, मैं सदा के लिए उनके कष्टों से छुटकारा करा दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी और उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटा कर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है, बाबा ने कहा वह पट्टी हटाओ नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहाँ आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु उस समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशकार, तू आशिक का हरदम मददगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा, अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था, उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया, वह अब फिर से क्यों आएगा। अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। ऊदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में निरोग हो गए, जैसे कि बाबा ने उनसे कहा था। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी भयाहू। सांवली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया, उसे ज्वर हो आया और उसकी जांग में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आई।
बापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की कि तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो, ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा, ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि ना तो ज्वर है और ना गिल्टी का कोई चिन्ह ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहाँ पहुँचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निराभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। आगे जानते हैं ईरानी कन्या। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उसके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी कोई लाभ ना हुआ, तब लोगों ने उस ईरानी से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह विले पार्ले बम्बई में काका साहेब दीक्षित के पास से ही प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहाँ से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे एक घंटे के अंतर से आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के एक महानुभव पथरी रोग से ग्रस्त थे। वह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस ना हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि का और ही इलाज क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहाँ आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास उदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। केवल 5 मिनट में ही उदी के पेट में जाते ही पथरी मल मूत्रेंद्रिय के द्वार से बाहर निकल गई और वह वृद्ध शीघ्र स्वस्थ हो गया। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंकर्तव्य मूड हो जाया करती थी। इसके उपचारार्थ उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहाँ कुछ मास ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ।
कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल सभी पाया, तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार पर में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उनके समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसिन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में उदी मिला उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी माँ की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। वे अपने को बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। श्री सद्गुरु साईनाथ परणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।